अब व्हाट इज दिस? यस, व्हाट इज दिस? बेंजीन है। ये मैंने क्या बनाया बोर्ड पे? पहले तो हम टेस्टिंग हम करना शुरू करें। व्हाट इज दिस? दिस इज बेंजीन। मैंने रिंग क्लोज करी, मैंने कोई डबल बॉन्ड बनाई इसमें। ऑल्टरनेटिव बेंजीन कैसे हो सकती है अगर मैं ऐसे बना दूं? ठीक है, मैंने इसको क्लोज नहीं किया। ये क्या है? क्यों एन पेंटेन क्यों बोला आपने? वन टू थ्री फोर फाइव तो ये नहीं है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ना मैंने रिंग को क्लोज किया है, ना मैंने कोई बॉन्ड बनाया है, तो ये हेक्सेन नहीं हुई। ये वायर थी, इसको मैंने ऐसे कर दिया, बंद तो नहीं किया अभी। वायर पकड़ के ऐसे किया बस। समझ आई? ये क्या है फिर? हेक्सेन है। क्यों है? बंद थोड़ी ना, ये रिंग पूरी कंप्लीट थोड़ी ना। तो राइट डाउन एन हेक्सेन। ड्रॉइंग ऑर्गेनिक लिखे बिना नहीं आती। इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड। या वैनेडियम ऑक्साइड और इसमें से कोई भी लिख लो। ठीक है, साथ में है हो रही है। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लेती है, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। एट 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस रिंग को क्लोज कर दो, कर दो। अब एक्सेन से साइक्लो एक्सेन बनाओ। चलो क्लोज द रिंग। बेटे अगर आप सब्जी बना रहे हो, मान लो आपने कुकर बंद नहीं किया, खुला छोड़ दिया, फिर क्या होगा? पानी सूख जाना। बेटे हर चीज केमिस्ट्री में जो ये चीजें होती हैं वो वैसी, आप किचन कॉमन वर्ड्स के साथ भी जुड़ोगे, अपनी किचन में जाओगे तो यू नीड ऑयल, ऑयल के बिना सब्जी नहीं बन सकती। सॉल्वेंट नहीं, कढ़ाई नहीं डालोगे, अगर गैस ऑन नहीं करोगे तो क्या होगा? सब्जी से भी यही, सब्जी बना रहे हो, खुद सोच लो। सब्जी तो बना लिखते हो पेपर में, अगर आपको आए ना मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल क्लोराइड, वो खेलने के लिए लिखते हो। एरो के ऊपर कुछ नहीं होता आपके, सब्जी बनती नहीं है। बस आपने, हमने ये रॉ मटेरियल लिया, ये हमारी डिश है, वो कैसे बनी है मैंने बता।
समझ आई? तो कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब बनाओ साइक्लोहेक्सेन, बन गया। अब साइक्लोहेक्सेन में 3 moles ऑफ हाइड्रोजन निकाल दो। दिस इज साइक्लोहेक्सेन एंड अगर इसमें मैं 3 moles ऑफ हाइड्रोजन निकाल दू, तो क्या होगा? बेंजीन बन जाएगी। क्या होगा? बनाओ बेंजीन। अब बनाओ बेंजीन, तभी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एरोमेटाइजेशन। ये हमारे पास क्या बन गया? एक एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड है ना, बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। जो कंपाउंड में बेंजीन होती है उनको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एरोमेटिक वर्ड अरोमा फ्रेग्रेंस से आया है, जिनमें थोड़ी फ्रेग्रेंस होती है, जिनमें बेंजीन रिंग होती है, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। समझ आ गई? अब मैंने हेक्सेन लिया, अब लो आप हेप्टेन। यही दो रिएक्शन इसमें से, यही दो आनी है। हेप्टेन लो पहले, हेप्टेन ले लिया, बनाओ अपने आप। मैंने नहीं बनाना, आप बनाओ। छोटे छोटे एल्केन तो बनाने सीखो पहले। हेप्टेन इसमें और इसमें फर्क क्या है? एक लाइन और बढ़ जाएगी, और तो कुछ फर्क नहीं है। अगर यहाँ पे 6 थी, अब 7 हो जाएगी। करो फिर। अब आपने बहुत देर लगा दी होगी, और मैं इसको कैसे कर सकती हूँ? ये हेप्टेन बन गया। मैंने क्या किया? स्ट्रिंग ली, उसको मोड़ दिया, एक एंड ऐसे कर दिया उसको। स्ट्रिंग लेके पहले घुमा दिया, फिर एक एंड ऐसे कर दिया, भी तो ये हेप्टेन ही है, है कि नहीं? अब ये पहले ऐसे बनी थी, अभी जो स्ट्रिंग का निकाला है वो ये निकल गया। मैंने साइक्लो तो बोला ही नहीं है, पूरा तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपने एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन होती है, जो साइड पे बचते हैं वो साइड पे रह जाते हैं। यहाँ पे मिथाइल बन गई, मिथाइल। अब इसको आप क्या बोलोगे? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बेटे एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन होना जरूरी है, ठीक है, और 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, तो ऐसे सिस्टम नहीं बनेगा। जब हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं तो वो हक्कल रूल को फॉलो भी करना चाहिए। यू विल डू फर्दर। 4π+2 सब कुछ सेम, सब सेम लिखो। इसे क्या बोलोगे? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसे क्या बोलोगे? टोलुइन। और ये कन्वर्जन आएगी ऐसे। अब मैं पेपर में बोलूंगी नहीं कि राइट एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, पेपर में आएगा कन्वर्ट एन हेप्टेन इनटू टोलुइन। एन हेप्टेन इनटू टोलुइन। आपको कोई ऐसे नहीं देगा कि एरोमेटाइजेशन एक्शन लिखो, या हम बोलेंगे कन्वर्ट हेक्सेन इनटू बेंजीन। ऊपर क्या किया आपने? हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट किया, अब हेप्टेन को किस में कन्वर्ट किया? टोलुइन में। तो ऐसे ही आना एग्जाम, सेम सब कुछ सेम।
इसमें से इन दोनों में से एक साथ में ही है, टेम्परेचर कंडीशन। आप ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे ना, आप देखना टेम्परेचर कंडीशन में पीछे 73 या 23 ऐसे ही आता है। हाँ अप्रोक्सीमेटली होता है। इसका तो पूरा 773 है ना, इसका तो पूरा ही है। हो गया। अब बेटे इसके अलावा दो रिएक्शंस हो रहे हैं, पायरोलिसिस और पॉलीमराइजेशन, वो हम कर नहीं देंगे। पॉलीमराइजेशन पॉलीमर चैप्टर आप पूरा प्लस टू में करोगे, वो एक रिएक्शन ही, वो हजारों रिएक्शन करोगे। एक आदि में बना दूं कि इथीन से पॉलीथीन बनता है, कोई फायदा नहीं। ठीक है, पायरोलाइसिस का मतलब टूटना, तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं जिनको सेपरेट आउट करना बहुत मुश्किल है। तो इसकी इतनी सिंथेटिक रिटेलिटी है नहीं रिएक्शन। जैसे कि अगर मेरे पास प्रोपेन हो तो उसको मैं तोड़ू तो मुझे मिथेन मिल जाएगी, इथेन मिल जाएगी, हो सकता है इथीन भी मिल जाए, बहुत कुछ मिलेगा, उसको हम नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले आ गई बेटे फिजिकल स्टेट। ये सिर्फ सुनने के लिए, जस्ट लिसन टू दिस प्रॉपर्टी, लिसन, जस्ट व्हेन यू लिसन दैट इज लिसन दिस। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड, ऑब्वियस है। कार्बन एटम बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास से वो हैवी होता जाएगा और वो गैस से लिक्विड बनता जाएगा और लिक्विड से क्या बनता जाएगा, सॉलिड। अगर पहले चार मेंबर्स की बात करूं, मतलब अगर मैं C1 to C4 कार्बन तक जाती हूँ, मतलब ब्यूटेन तक जाती हूँ, ये सारे गैसेस हैं। C5 to C17 जाऊंगी तो लिक्विड हो जाएगी। और जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटे और बढ़ाएंगे ये क्या बन जाएंगे, सॉलिड। ऑब्वियस है, मास बढ़ाते जाओगे वो चीज पास आती जाएंगी, कार्बन बढ़ती जाएंगी तो वो सॉलिड स्टेट की तरफ जाता जाता। समझ आ रही है? तो पहले चार गया, यू कैन राइट 1 to 4 गैस, 5 to 17 लिक्विड, अबव 17 सॉलिड। डन, हो गया। अब आ जाओ बॉइलिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज में से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से ही आना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आना। ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट की ब्रैकेट में लिखो वांडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस, यू हैव बेटे पेंटेन, बनाओ इसको पेंटेन। तीन आइसोमर्स बनाओ पेंटेन, एन पेंटेन आइसो, अपने आप बनाओ, आइसोमर्स आते नहीं अभी,
एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। बनाओ, बन गए। अब मैंने ब्रैकेट में बॉइलिंग पॉइंट में वॉन्डरवॉल लिखवाया, आपने लिखवाया। आप मुझे बताओ कि आपको जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो कार्बन है, ये ज्वाइंट है, इनको अलग करना है आपने। टेम्परेचर दोगे, आपने ये पूरी चेन कार्बन की बना दी। इसको आपने बॉयल करना है। आप और ज्यादा टेम्परेचर दोगे कि अब ज्यादा मॉलिक्यूल तोड़ने पड़ेंगे। आप पूरी क्लास में अब कार्बन कार्बन है, सारे कार्बन बढ़ गए। आपको टेम्परेचर और देना पड़ेगा क्योंकि आपने कार्बन कार्बन के बॉन्ड तोड़ने। मीन्स जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जा रहे हो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जितने कार्बन होंगे उतने वॉन्डरवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। वॉन्डरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपस में जो अट्रैक्शन होते हैं, समझ आ रही है? अगर एक चेन है, ये मान लो ये हेक्सेन है, ये दूसरी हेक्सेन है। अब हेक्सेन जो आस ये हेक्सेन और ये हेक्सेन में थोड़ी सी आपस एक दूसरे को खींचेंगे ना, इधर भी हेक्सेन है, इधर भी हेक्सेन। अब अगर मैंने आरबीएफ में हेक्सेन ले ली तो उसमें एक मॉलिक्यूल तो नहीं हेक्सेन का कि एक है, बहुत सारे हैं। एक ये चेन है, एक ये भी चेन है, एक ये भी चेन है, एक ये भी चेन। अब अगर चेन है, जितनी बड़ी चेन होती जाएगी उतनी बड़ी वो दूसरे की इन्फ्लुएंस में आएगी और उसके साथ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होते हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ये आपको थर्ड फोर्थ चैप्टर में आ जाते हैं। क्या होते हैं? डिस्टेंस मींस नियर बाय मॉलिक्यूल्स में जो इंट्रैक्शन होती है उन्हें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है नहीं, इनमें डाइपोल मूवमेंट तो आएगी नहीं। तो फोर्थ चैप्टर का ये ना, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारे कार्बन है, टग ऑफ वॉर तो हो ही नहीं सकती, सारे कार्बन है, पोलैरिटी है ही नहीं मॉलिक्यूल में। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन तो होनी नहीं है। कौन सी इंट्रैक्शन होनी है? वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। अब ये तो होगी नंबर ऑफ कार्बन। अब हमने ये क्यों बनाया? एन पेंटेन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, आइसो का उससे कम और नियो का उससे कम। अगर हम आइसोमर्स की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं जैसे जैसे आप आइसोमर्स को कंपैक्ट करते जाते हो। अब सोचो क्यों? ये एक सीधी चेन है, सीधी चेन है, ये भी एक सीधी चेन। जब ये सारी सीधी हैं, आप आपस में बॉन्ड बना सकते हो, आप आपस में बातें आराम से कर सकते हो। अब मैंने यहां पे क्या किया, इसको इधर करके यहां पे एक ब्रांचिंग कर दी। अब ये जो है इसके साथ बात नहीं कर पाएगी क्योंकि बीच में एक और आ गया एटम, तो इसकी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कम होगी। अब इसके आसपास मैंने दो कार्बन और बढ़ा दिए, मतलब दो बच्चे और बिठा दिए। अब ये वाला कार्बन तो आसपास कहीं भी इंट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, जो बिल्कुल बीच में आ गया उसकी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? उससे कम। मतलब जैसे आप मॉलिक्यूल को छोटा करते जा रहे हो तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है क्योंकि सरफेस एरिया कम होता जा रहा है।
जब ये बिखरे हुए थे तो सरफेस एरिया ज्यादा था, ये अलग अलग बैठे हैं दोनों, ये इसके साथ भी इंटरेक्शन कर सकती है, इसके साथ भी कर सकती है। अब मैंने उठा के इसको यहां बिठा दिया, अब ये इधर आ गई तो ये इसके साथ नहीं कर सकती। अब इसके आसपास मैंने चारों इकट्ठा कर दिया तो बीच वाला तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। अब इस चेन के साथ एक और चेन लगी है सीधी, एक और चेन सीधी लगी है, तो आपस में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जितने इंटरेक्शन उतना ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको अलग करने के लिए। आपने एक ब्रांचिंग करी, सरफेस एरिया कम हो गया, जब सरफेस एरिया कम हो गया मॉलिक्यूल कंपैक्ट हो गया, अब ये बीच में आ गया एटम, इस तरफ से ये साथ वाली चेन के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता इतना, इस केस में ये और बीच में आ गया। राइट डाउन एज सरफेस एरिया डिक्रीजेस वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड हेंस द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इन केस ऑफ आइसोमर्स। What it? अब जैसे इसका क्या है 309, इसका क्या है 301, इसका क्या है 283, डिक्रीज हो रहे 209, 309, 301 एंड 283 डिक्रीज हुआ। समझ आई सरफेस एरिया? और बेटे दिस विल कंटिन्यू टू क्लास 12th। आप तब भी फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करोगे तो आपने याद रखना है ऑर्गेनिक में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेन किया जाता है, सरफेस एरिया से एक्सप्लेन किया जाता है। बेटे जब सब के साथ वंडरवॉल है तो जिसके जिसमें सबसे ज्यादा है